अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देखो और जानो के प्लेटफॉर्म से नई मालूमात वीडियोस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नुमैर रशीद। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मुगलिया सल्तनत के चौथे शहंशाह नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर की और इनकी एक कनीज अनारकली के दरमियान होने वाली मोहब्बत की पूरी सरार दास्तान के बारे में कि क्या ये कोई हकीकी वाकया है या फिर एक अफसानवी दास्तान जिसे वक्त के साथ महज ज़ेब दास्तान बनाकर सुनाया या फिर फिल्माया जाता रहा है। आगे बढ़ने से पहले हमारे नाजरीन से गुजारिश है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम तर वीडियोज़ पर वक्त आप तक पहुँचती रहें। दोस्तों, अनारकली और शहजादा सलीम जहांगीर के इश्क की दास्तान एक ख़त्म ना होने वाली बहस में तब्दील हो गई है। इस हवाले से नस्ल दर नस्ल फैलती कहानियाँ और तारीख दानों की तहकीकात एक दूसरे से बिल्कुल उल्ट हैं। मुख्तलिफ आरा और नज़रियात ने इस बात का फैसला करना दुश्वार कर दिया है कि ये वाक़या हकीकत था या महज अफसानवी हैसियत रखता है। अनारकली की कहानी को सच मानने वाले तारीख दानों के मुताबिक ईरान का एक सौदागर अपने घराने के हमरा हिंदुस्तान जा रहा था के रास्ते में वो डाकुओं के हाथे चढ़ गया। राहजनों ने इसे कत्ल किया, इसका माल असबाब लूट लिया और इसकी खूबरू लड़की को मकामी राजा मान सिंह के पास फरोख्त कर दिया। राजा मान सिंह ने इसे शहनशाह अकबर को बतौर तोहफा पेश कर दिया। सुर्ख व सफ़ेद रंगत वाली इस खूबरू लड़की के हुसन से मुतासिर होकर अकबर बादशाह ने इसे अनारकली का नाम दिया। अनारकली ने शाही आदाब और रक्स सीख कर दरबार में खास मकाम हासिल कर लिया और रकासा खास बन गई। इसकी रक्स की शोहरत जहाँ दूर दराज पहुँची वहीं शहजादा सलीम की आंखों से कैसे ओझल हो सकती थी। नौजवान शहजादा खूबरू रकासा के इश्क में मुब्तला हो गया और यूं दोनों के दरमियान खुफिया मुलाकातों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। कहते हैं 1599 ईस्वी में अकबर के वजीर खास अबू अल फजल ने अकबर के सामने अनारकली और शहजादा सलीम के दरमियान बढ़ते मरासम का बादशाह से जिक्र किया था। इन्हीं दिनों शीश महल में शहनशाह अकबर के शाही दरबार में सलीम और अनारकली के दरमियान मुस्कुराहटों के तबादले ने शहनशाह के शक को यकीन में बदल दिया। इम्तियाज अली ताज के 1922 में लिखे गए ड्रामे के मुताबिक शहनशाह ने इस बात को बर्दाश्त ना किया और अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। अकबर बादशाह को रहम दिल साबित करने के लिए ये दावे भी मिलते हैं कि जिस दीवार में चुनवाया गया इसकी दूसरी जानिब रास्ता था और यूं शहनशाह अकबर ने इसे दूसरे रास्ते से मुल्क छोड़ जाने का रास्ता दे दिया। इस सारी कहानी पर कई तारीख दानों ने एतराजात किए। कुछ लोगों ने इसे एक झूठा किस्सा करार दिया है। नूर अहमद चिश्ती अपनी किताब तहकीकात चिश्ती में लिखते हैं कि अनारकली और शहजादा सलीम की मोहब्बत की दास्तान में कोई हकीकत नहीं। इनके मुताबिक शहनशाह अकबर ने नादरा बेगम या शरीफ़ुन्निसा को इसके हुस्न की वजह से अनारकली का खिताब दिया था जो अपने मशहूर कुन हुस्न की वजह से दूसरी बेगमात के हसद का शिकार हुई और अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी। एक और रवायत के मुताबिक जब अकबर दक्कन की मुहिम पर था तो ये हसीन औरत किसी बीमारी में चल बसी। एस एम लतीफ़ अपनी किताब तारीख लाहौर और इसके आसार कदीमा में लिखते हैं कि किसी मौके पर शहनशाह अकबर ने इसकी और शहजादा सलीम की मुस्कुराहटों को आईने में देखा और इस बिना पर इसे दीवार में जिंदा चुनवा दिया। नाज़रीन, अनारकली के बारे में सबसे पहला तज़किरा एक अंग्रेज़ विलियम फिंच का है जो कारोबार के सिलसिले में 1611 में लाहौर में आया था। फ़कीर सैयद इजाज़ुद्दीन ने विलियम फिंच का जिक्र अपनी किताब लाहौर में किया है कि फिंच ने लाहौर में एक मकबरा देखा जिसके बारे में इसे बताया गया कि ये एक औरत नादरा का मकबरा है जिसे अकबर के हुक्म से दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। एक और मुसन्नफ़ टेरी ने अपने रसाला टेरी जर्नल में लिखा है कि शहनशाह अकबर ने शहजादा सलीम को तख्त से अलग करने की धमकी दी थी और इसकी वजह अकबर की मंजूर नज़र बांधी अनारकली थी। इन तमाम बातों के बावजूद कहानी का असल किरदार शहजादा सलीम इस मामले में बिल्कुल खामोश हैं। इसने अपनी खुदनोश्त में बेशुमार दूसरे मशागिल और दिलचस्पियों का बेबाकी से जिक्र किया है लेकिन अनारकली के वाकया का कहीं तज़किरा नहीं मिलता। बेशतर तारीख दानों का ख्याल है कि अनारकली की दास्तान महज एक अफसाना है जिसे इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामे अनारकली ने लाजवाल शोहरत बख्श दी है। कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि मौजूदा सिविल सेक्रेटरीट लाहौर की वो जगह जिसे अनारकली का मकबरा कहा जाता है दरअसल जहांगीर की एक मलका साहब जमाल का मकबरा है। इस जगह के एतराफ़ में अनारकली बाग था, इसी मुनासबत से इसी मकबरे को अनारकली का मकबरा करार दिया जाता है। अनारकली के नाम के हवाले से लाहौर में कायम होने वाले अनारकली बाजार की शोहरत से भी सभी वाकिफ़ हैं लेकिन ये सवालात के क्या अनारकली एक जर खरीद बांदी या खादमा थी,
क्या इसके दिल में शहज़ादा सलीम को अपने दाम मोहब्बत में गिरफ्तार करने का ख्याल था ताकि वो हिंदुस्तान की मलका की हैसियत इख्तियार करे, या क्या अनारकली का कोई वजूद भी था या नहीं, ये सब बातें मुतनाज़ हैं।